अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा लॉर्ड मेहर। गॉड स्पीक्स का सप्लीमेंट चालू है और इसमें जो बाबा को सवाल पूछे गए, क्वेश्चन किए गए, तो उसका बाबा ने जो जवाब दिया वो हम लोग अभी देख रहे हैं। अभी उन्होंने पूछा कि हफीज़ जो बाबा के प्रिय सद्गुरु में से एक थे, एक हफीज़ थे, एक तुकाराम महाराज थे और एक थे अपने कबीर जी थे, तीन में से एक जो बाबा के प्रिय सद्गुरु हफीज़, उन्होंने यह इनवर्ड जर्नी जो है, आंतरिक प्रवास, इन्वोल्यूशन प्रोसेस, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा हुआ है, बताया है, तो उसको बाबा और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे और उसी के बारे में बाबा को क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई प्लेन नंबर वन पे क्या होता है, टू पे क्या होता है, यही ना, प्लेन वन, भूमिका दूसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, और ये सब मस्त लोग, उनका व्यवहार वो क्या करते, मतलब वो किस परिस्थिति में रहते, ये सब डिटेल वर्णन जो है वो हमने देखा है, पर जो नहीं बताया गया वो बाबा ने उसको फिर से दोहराया है। तो पहली भूमिका के अंदर में जो हफीज़ जो थे, हफीज़ क्या कहते हैं भूमिका नंबर एक के अंदर, वो कहते हैं कि, मतलब वो खुद ये कहते हैं कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि दैवी प्रियतम का असली निवास कहाँ है, और बराबर है क्योंकि वो है अभी पहली प्लेन पे और उसका असली निवास तो है यहाँ पे, तो कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई पथिक हो, साधक, अगर वो इस इनर जर्नी के अंदर में उन्हें प्रवेश कर लिया तो उसको ऐसे लगता है कि मैं परमात्मा को पा गया, मुझे परमात्मा क्या है मालूम हो गया। और बहुत से लोग हैं ऐसे, हजारों लोग होंगे जिनको ये ऐसा महसूस होता है। पर कबीर जो है वो कहते हैं कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि दैवी प्रियतम का असली निवास कहाँ पे है, और केवल इतना स्पष्ट है, पर इतना मुझे मालूम है कि निवास उसका है, पर वो मुझे मालूम नहीं कि वो किधर है। इतना स्पष्ट है कि मैं घंटियों की आवाज़ में सुन रहा हूँ, इतना ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया। घंटियों की आवाज़ मतलब जब भी रेगिस्तान के अंदर में, जब भी ऊँट के ऊपर में वो चलते हैं, उनका काफिला जो लोग रहते हैं, व्यापारी लोग, उसमें अपना सामान वामान लाद के इधर से उधर, उधर से उधर सामान बेचने के लिए जाते हैं, तो वो अपना कैमल जो रहते हैं, ऊँट रहते हैं, उसके गले में घंटी रहती है और वो घंटी बजती रहती है टन टन जब वो चलते हैं। तभी जब वो घंटी बज रही, इसका मतलब है कि वो चल रहे हैं, जब वो बैठ गए समझो तो समझो घंटी बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल इतना स्पष्ट है कि दैवी की यात्रा के दौरान जो काफिला है उसके बारे में मुझे घंटियों की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। तो घंटियों की आवाज़ का मतलब होता है नाद। इस भूमिका में नाद अलग है, इस भूमिका में नाद अलग है, हर भूमिका के अंदर में नाद अलग है। तो उसका स्पष्टीकरण जो मेहर बाबा ने दिया वो ये है कि बाबा ये कहते हैं कि नाद और भूमिकाओं के इस विषय पर मेहर बाबा ये कहते हैं कि यह ज्ञातत्व है कि नाद का अस्तित्व सभी सातों भूमिका में है। नाद जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सभी जगह है, सभी जगह, इंक्लूडिंग नाद जो है वो यहाँ पे भी है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई सातवीं भूमिका में है तो वो जो नाद उसी को सुनाई देता है तो उस नाद के अंदर में ही वो लीन हो जाता है, उसको कुछ और सुनने की इच्छा नहीं होती है, इतना वो ऐसा वो नाद है, ऐसा वो बता रहे हैं। और फिर भी सातवीं भूमिका में वह है और वह अपनी भावना अति हर्ष तथा परमानंद की अभिव्यक्ति में वह भिन्न है। जो भी होगा पथिक है, जो साधक है, वो
इसके अंदर में वो होगा तो वो उस नाद का अनुभव लेगा, दूसरे में होगा तो उसका और अनुभव लेगा। इसी प्रकार से उस नाद के अंदर में वो एक ही जगह के ऊपर में अटके रहते हैं और उस वहाँ से उनको आगे जाने की इच्छा नहीं होती। तो सद्गुरु उनको आगे आगे जाने के लिए उसको मदद करते हैं और परमानंद की अभिव्यक्ति में वो भिन्न होते हैं। इसका मतलब उनका ये कहना है कि अनेक ये जो प्लेन्स है जितने हैं उसके ऊपर में जो नाद है, नाद मतलब उसका जो फीलिंग है या उसका जो ब्लिस है, जो आनंद है, वो हर जगह के ऊपर में सेपरेट है। ये नहीं सोचे कोई कि मैं पहले प्लेन पे चला गया तो इसका मतलब हो गया कि मुझे वो परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का मिल गया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग हैं उनको इन कानों से कुछ मधुर संगीत सुनाई देता है तो उनको ये लगता है कि ये संगीत ही फाइनल है, संगीत ही परमात्मा का ब्लिस है और अभी आगे मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ वो अटक जाते हैं। और ऐसे पर जब किसी सद्गुरु के पास में जब भी वो जाते हैं तो सद्गुरु उनको बताते हैं कि भैया आप अभी कौन सी किधर हो, और सद्गुरु उनको आगे लेके जाते हैं। आगे में उच्चतर भूमिका मतलब पांचवी भूमिका या छठवीं भूमिका या सातवीं भूमिका मतलब उच्च भूमिका के अंदर में यह नाद जो है, नाद मतलब साउंड, साउंड जो है या छठवीं प्लेन के ऊपर में अगर है तो वो छठवीं प्लेन वाला जो साधक है वो परमात्मा को फेस टू फेस भक्ता है, वो परमात्मा की उस नाद को अखंड नाद जिसे कहते हैं हम लोग, तो अखंड सातवीं प्लेन में अखंड नाद रहता है, परमात्मा अपनी अखंड नाद में ही रहते हैं। तो यह जो नाद जो है मतलब वो जो साउंड जो है, उसके बाद में जो दृश्य मतलब साइट मतलब फेस टू फेस देखना वो साइट जो है, और वह स्मेल गंध जिसको अपन कहते हैं गंध जो है हायर प्लेन के ऊपर में है, उसकी तुलना कितनी भी विस्तृत कल्पना से नहीं की जा सकती। तुम कितनी भी कल्पना करो वो कल्पना का खेल नहीं है, वो अनुभव करने का खेल है कि नहीं। कल्पना तो क्या है, हम लोग कल्पना करते हैं तो हमको हमारे नींद के अंदर में हमारे स्वप्न में हम अपना विश्व निर्माण करते हैं कल्पना से, है करते हैं कि नहीं करते हैं, पर वो रियल थोड़ी होता है, वो तो झूठा है। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उच्च भूमिका के अंदर में वो नाद बोलो या वो साइड बोलो या वो सुगंध जो है वो बोलो, इसकी तुलना आप किसी आप कल्पना से उसको नहीं समझ में आ सकता है ना आप उसका कोई अनुभव कर सकते हो। और हम भौतिक भूमिका पर करने के आदि हैं, हम लोग किसके आदि हैं, हमको जो सुगंध मिलती है वो एक प्रकार का है, हम जो देखते हैं पर हम जो देख रहे हैं वो सब भ्रामक है, वो सब झूठा है, वो जीरो है, वो माया का सब निर्मिति है, कल्पना की सब निर्मिति है, वो झूठी है। और इसके साथ साथ जो संगीत हम सुनते हैं, संगीत जो हम सुनते हैं वह बोलते हैं कि ये जो अखंड नाद है परमात्मा का, वो संगीत जो है वो सेवंथ प्लेन पे आप जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाओगे और स्थूल जगत में जाओगे तो हम जो संगीत सुनते हैं, बेगम अख्तर का संगीत सुनो या उसकी कव्वाली सुनो जो भी है वो और जो अखंड नाद का जो संगीत जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए उस नाद के अंदर में जो बैठ गया वो बैठ गया, मतलब यहाँ पे अगर कोई पांचवी प्लेन पे है या तीसरी प्लेन पे है तो वो वही लटक जाते, वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे उनको लगता है कि आगे अभी कुछ नहीं है। इसीलिए सद्गुरु और अवतार जो है वो मस्तों को थोड़ा ढकेलते रहते आगे। मेहर बाबा ने इस वक्त इस अवतारिक युग में अपने अवतारिक युग में जो कार्य किया है मस्तों के लिए, उनको आगे पुश करने का कार्य किया है कि चलो आगे चलो आगे चलो, ये रुको मत यहाँ पे। जिस प्रकार से वो हफीज़ कह रहे हैं कि घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है ना, इसका मतलब है कि वो जो खलीफा जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो नीचे पीछे नहीं आ रहा है, मतलब प्रगति हो रही है पर हम किधर जा रहे हैं ये नहीं मालूम, ये वो कहते हैं। और हम लोग जो है साधारण स्थूल जगत के जो लोग हैं, हम लोग सुनने का
देखने का और सुगंध जो हम लोग लेते हैं वो हमारे अपने भौतिक जितने भी अवयव है उसके द्वारा हम उसका अनुभव ले रहे हैं, पर भौतिक द्वारा हम अनुभव लेंगे तो वो भौतिक जगत का ही अनुभव होगा, वो यहाँ पे सूक्ष्म जगत और मनोजगत का और परमात्मा के संगीत का तो अनुभव होगा नहीं। और इसीलिए हमने जितना भी आनंद लिया, जितना भी हमने सुख लिया और जितना भी अच्छा हमने संगीत सुना होगा, वो बिस्मिल्लाह खां का हो या किसी का भी हो, वो सारा का सारा जो है वह यहाँ पे जो आनंद है उस आनंद उसके सामने में हमारा जितना भी जो कुछ भी हमने इस भर्ती पे देखा वो व्यर्थ है, क्या कहते हैं, और इसका आनंद लेने के लिए व्यर्थ होती है। मतलब हमारी जितने भी अवयव है जो भी हो वो यहाँ का संगीत नहीं सुन सकते, उसके लिए अलग ही शरीर चाहिए, उसके लिए अलग ही दृष्टि चाहिए, उसके लिए सब कुछ अलग चाहिए, तभी वो संगीत हम लोग सुन सकेंगे। और इसीलिए आगे वो कहते हैं बाबा कि उनके अंदर एक वह संगीत, वह दृश्य या वह स्मेल जो है वह देखने के लिए एक विभिन्न नेत्र होता है, विभिन्न ये नेत्र से अलग है, वो एक होता है देखता है, उसके साथ साथ वो जो कान जो है जो ईयर जो है वो भी विभिन्न होता है, और वह जो सुगंध जो आती है वो नाक में है वो भी अलग होता है। उनके अपने अवयव और शरीर वो अलग होते हैं जो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, जो कारण जगत में अनुभव लेते हैं उनके भी सब अवयव और ये वो अलग होते हैं, शरीर उनका अलग होता है। आप मतलब सभी लोग ये पहले से जानते हैं कि आंतरिक इंद्रिय जो है हमारे, जो मनुष्य के अंदर में बाह्य इंद्रियों को सहायक होते हैं, व्यक्ति पहले ही इंद्रियों में से उच्च भूमिका का अनुभव करता है, और कारण जगत के अंदर में जो है वह वहाँ पे जो उनका शरीर कारण शरीर उसके वो इंद्रिय उसका कान नाक जो भी होगा उसके द्वारा जो अनुभव करता है पहली उच्च पारी है उस सेवन प्लेन की, इंद्रियों से ही उच्चतर भूमिका का अपना अनुभव करता है। और इसीलिए वो बाबा फिर कहते हैं कि पहली तीन भूमिका जो है 1, 2 और 3 यह तीन भूमिका जो है वो बाबा ये कहते हैं कि पहली तीन भूमिका में जिस नाद जिसको हम नाद कहते हैं वह यथार्थ रूप में मौजूद है, मतलब वो रियल है, हमारा जितना भी हम देख रहे हैं वो सब भ्रामक है, पर पहली तीन भूमिका में है वो यथार्थ है, पार्शियली यथार्थ है, पूरा यथार्थ नहीं है। इस नाद के रूप में सुंदरता संगीत और आनंद का वर्णन, इसकी सुंदरता का उसके संगीत का उसके आनंद का वर्णन हम नहीं कर सकते, वो अनुभव करने की ही चीज़ है। आगे में यह नाद मतलब साउंड और यह दिव्य संगति प्रथम भूमिका की विशेषता होती है, जिसका उल्लेख हाफिज जो है उन्होंने घंटियों के बजने से किया हुआ है। जैसे पहले बताया था कि जब वो काफिला चलता है तो उसके साथ में वो ये भी चलती है, अपने ऊँट भी चलते हैं, उसने घंटी लगाए हुए तो अपनी घंटियाँ बजती रहती है, उससे उन्होंने उसकी तुलना की हुई है अपने को समझ में आने के लिए। जैसे जैसे सातों भूमिकाओं के अंदर में नाद जो है वो व्याप्त है, सभी जगह है, सारे ब्रह्मांड के अंदर में क्या है, नाद साउंड, और यह स्मेल जो है गंध जो है वह दूसरी और तीसरी भूमिका की विशेषता है। यहाँ दूसरी और तीसरी भूमिका का जो स्मेल जो है उसे वो आदमी इतना मुग्ध हो जाता है सुनते उसको लगता है कि इससे आगे अभी नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि वो देखा नहीं रहता ना, हम लोगों ने कहा देख उसका अनुभव नहीं किया है,
तो हमको मालूम नहीं, पर अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। अगर हमें कोई सदगुरु या कोई साधु कोई संत अगर नहीं मिला हमको ये बताने वाला कि भाई ये मार्ग यहाँ नहीं आगे चलो, यहाँ नहीं आगे चलो, सदगुरु और अवतार अपने शिष्यों को बताते हैं कि आपके लिए यो मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है अगर हम इन मार्ग से जाएंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे, तो फिर से हमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसीलिए सदगुरु और अवतार अपने प्रेमी जनों को इस मार्ग से बचाते हैं, नहीं लेके जाते इसी मार्ग से, मार्ग एक ही है, दो मार्ग नहीं है, पर अपनी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, है कि नहीं, कि तुमको कुछ दिखे ही नहीं, जाओ उधर। जब आपको कुछ दिखेगा नहीं तो खत्म हो गया फिर। इसीलिए वो अपने को इस मार्ग में नहीं डालते, लेके जाते हाथ पकड़ के, पर वो दिखाते नहीं कि वहाँ क्या है, वो पट्टी बांध देते हैं और जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुमको मुक्त कर देते, खत्म। और जिसको सदगुरु और अवतार का सहवास मिलता है तो ये जो बताया गया है सुगंध और ये वो, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता है उसको, क्योंकि उसको मास्टर मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा मिल गया, तो फिर वो काहे के लिए इधर उधर सुनते रहेगा और ये करते रहेगा और देखते रहेगा, नहीं क्या? तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसको तो एक ही इंटरेस्ट रहता है कि भाई परमात्मा के दर्शन हो गए और क्या चाहिए, बस हो गया। और इसीलिए वो उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। मेहर बाबा के जो मंडली थे उनको पूछा गया कि भाई आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या, को आपको कुछ सुनाई देता है क्या, या आपको कोई आध्यात्मिक मार्ग में आप कितने आगे चले गए ये आपको मालूम है क्या? तो ये कहते थे कि ये सोचने को हमारे पास में टाइम ही नहीं है, सोचने को टाइम ही नहीं है तुम जो बोल रहे हो। बोलते क्यों? क्योंकि हम वो परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनका दिन भर में हम उनका काम करते हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी है, जब वो हमको देगा तब देगा, ख़त्म हो गया। पर जिनको सदगुरु और अवतार का संबंध नहीं है, अपने बलबूते के ऊपर में जो मेडिटेशन कंसंट्रेशन ये वो कर सब करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्र ये वो अपन ने पढ़ा है, लार्ज नंबर करते हैं, वो लोग इस मार्ग में चले जाते हैं। उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि ये मार्ग है कि नहीं है, ये भी नहीं मालूम, और वो वहाँ पे परमात्मा की खोज में वो इस मार्ग में जाते हैं और वो वहीं अटक जाते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जैसा बताया गया है कि सातों भूमिका के अंदर में वह नाद जो है वो व्याप्त है। ये इतना डिटेल उसमें शायद जो सदगुरु थे उन्होंने डिटेल उसका वर्णन नहीं किया जो मेहर बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूछा गया यह प्रश्न कि भाई ये नाद जो है ये कैसे किधर किधर होता है, कैसे होता है, उसका वो डिटेल बता रहे हैं कि पहली दूसरी प्लेन पर क्या होता है नाद का मतलब। और इसके बाद में जो और एक भूमिका जो है पांचवी और छठवीं भूमिका जो है उसके अंदर में क्या होता है, साइट दृष्टि, मतलब यहाँ पे कोई संत होगा ये छठवीं प्लेन पे तो वह परमात्मा को अपनी आँखों से देखता है, थर्ड आई जिसको अपन लोग थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आँख, वो तीसरी आँख से उसको दिखाई देता है परमात्मा। अगर छठवीं प्लेन पे अगर कोई हो और वो अगर किसी सदगुरु या अवतार के संबंध में हो तो उसको वो जो लाइट होता है प्रकाश उसके अंदर में उसको अपने मास्टर की वो प्रतिमा दिखाई देती है, रूप दिखाई देता है। अगर उस किसी को सदगुरु और अवतार से समझो उसका संबंध नहीं होगा तो उसको सिर्फ वो प्रकाश दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि पाँचवीं और छठवीं भूमिका जो है वह दृष्टि से कनेक्टेड है, दूसरी और तीसरी जो है वह अपन ने अभी देखा है वो नाद से कनेक्टेड है, स्मेल से कनेक्टेड है, और बाकी की जो है वह नंबर वन जो है वो अपन ने पहले देखा है। इसीलिए अलग अलग भूमिका के ऊपर में अलग अलग प्रकार का ये दिया हुआ है, पर इसके बाद भी सातवीं भूमिका है वह अद्वितीय है, क्या बोलते हैं, अद्वितीय है। यहाँ पे वो नाद, वह दृष्टि और वह जो स्मेल है वो सारा इकट्ठा हो गया, वन हो गया, मतलब वो परमात्मा जो सदगुरु जो सातवीं प्लेन पे है उसके वो ओरिजिनेट होता है, वो साउंड ओरिजिनेट होता है उसके पास से, वो स्मेल ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट करता है। अभी तक वो ले रहा था, अनुभव ले रहा था, अभी वो एक हो गया कंप्लीट, अभी वो उसको ये ज्ञान हो गया कि ये जो मैं अभी देख रहा था युगों युगों से
इसका अनुभव मैंने लिया, इसका लिया, इसका लिया, वो साउंड का अनुभव लिया, वो साइट का अनुभव लिया, वो स्मेल का अनुभव लिया, तो उसको ये ज्ञान हो गया कि ये सब मेरी ही ओरिजिनल तो मैं हूँ इसका, और मैं ही इसको अनुभव ले रहा था। सातवी, इसीलिए कहा गया कि सातवीं भूमिका जो है वह अद्वितीय है। क्यों? इसलिए वो अद्वितीय है कि यहाँ पे वह नाद, वह दृष्टि, वह स्मेल जो है मूल रूप में दिव्य होते हैं, और उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती कि जिसका अनुभव उसने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और हम लोगों ने मानव रूप में लिया है, उसके साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इस भूमिका के अंदर में मनुष्य को सुनाई नहीं देता कुछ। किस भूमिका में? इस भूमिका में कुछ सुनाई बुनाई, सुनाई क्या दे जब ओरिजिनल तो वो तो ओरिजिनल तो उसी के पास से है, तो सुनाई क्या देगा फिर? ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना उसको कुछ दृष्टि है, और ना ही उसको कुछ स्मेल है, क्योंकि वो सबका वो ओरिजिनल उसी के पास में है, जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा। परमात्मा कैसा है? परमात्मा का वर्णन किया है ना, अपन प्रार्थना कहते हैं अनंत ज्ञ अनंत शक्ति, तुम ये हो, तुम वो हो, सभी कुछ हो, तुम वो नाद भी हो, तुम वो स्मेल भी हो, तुम सब एवरीथिंग जो है वह तुम भी हो। इसीलिए कहते हैं ना उसे गंध दिखाई देता है, ना उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो क्या हो जाता है, सारा का सारा एक होके वह एक अखंड नाद बन जाता है, फिनिश। और उसकी चेतना इतनी दिव्य चेतना रहती है। चेतना कैसी रहती है? उसकी दिव्य चेतना रहती है, और वो सब इकट्ठा हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड गॉड, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति, तुम ये हो, तुम वो हो, दो सब सब विशेषण जो है वो लगाए हैं परमात्मा को, और वह है। तो जो सवाल जो पहले जो पूछा गया था प्लेन नंबर वन के ऊपर में, क्या घटित होता है कि नहीं? कभी कभी हम लोग कभी कभी पहली प्लेन पे भी अगर कोई चला जाए ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, और फिर उसके पास में 10,000 लोग जमा हो जाते। उसकी कोई गलती नहीं है, उसको जो अनुभव आया वो बता रहा है। क्यों? गलती हमारी है कि हम वहाँ जाके बैठ गए। गॉड स्पीक्स क्या बताता है? गॉड स्पीक्स हमारी आंखें खोलता है कि तुमको किधर जाना है। अगर गॉड स्पीक्स आप पढ़े एक बार, तो आप किसी भी साधु संत ऋषि मुनि के पास अब कभी नहीं जाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के नहीं जाए, जिनको जाना है वो जाए। बार बार मेहर बाबा क्यों कहते हैं कि आप गॉड स्पीक्स पढ़ो या जो कोई कहता है वो सुनो, क्योंकि पढ़ने जाएंगे तो अपने को दिल नहीं लगता उसके अंदर में, कुछ स्टोरी थोड़ी है, कोई कहानी थोड़ी है वो, पर कोई बताता है तो सुनो। पर एक बार अगर किसी ने वो पढ़ लिया, तो उसके बाद में चाहे उसके ऊपर में कितनी भी मुसीबत आए, वो कभी भी मेहर बाबा को छोड़ के नहीं जाएगा। ये उस गॉड स्पीक्स का ये महत्व है, सो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता स्टॉप किया, सेकंड गीता बाबा ने दे दिया, दैट इज़ गॉड स्पीक्स, फिनिश। आने वाले हजारों साल तक वो गॉड स्पीक्स पढ़ा जाएगा, जैसे 6,000 साल तक हम गीता पढ़ रहे हैं, इतना वो महत्व है। क्यों? कि अब मानव जात, नई मानव जात आई है, अभी जो मानव जात आएगी इसके बाद में वो गॉड स्पीक्स पढ़ेगी, उसका अध्ययन करेगी। बाबा बोलते एक बार दो बार उसको पढ़ो, नहीं है तो समझ के ले लो, पर उसको अपने सुनो कम से कम, क्या मैंने उसमें क्या लिखा है। इसके बावजूद भी हमने वो एक लॉर्ड मेयर में एक स्टोरी बताई थी कि वो एक फिलोसोफर आया था, प्रोफेसर, मेयर बाबा से 1.5 घंटा उसने सब मेहर बाबा ने उसको 1.5 घंटा समझाया, 1.5 घंटा, और उसके बावजूद भी वो मेहर बाबा को छोड़ के उसने अपने आश्रम डाल दिए। क्योंकि वो उसका मेहर बाबा के साथ में संबंध उतनी ही देर के लिए था,
खत्म हो गया। पर बोलते तुमको अगर आनंदी रहना है और परमात्मा की खोज करनी है तो तुमको सदगुरु या अवतार के पास ही जाना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, भटको मत। आगे में यह भूमिका नंबर 2 लेते हैं, इसको खत्म करते ताकि अपना टाइम आ जाएगा फिर नहीं। दूसरी बात है, जब भूमिका नंबर सेकंड, पहली हो गई खत्म, अभी सेकंड के अंदर में हाफिज जो है वह स्पष्ट रूप से, क्योंकि एक स्टेप हम आगे गए दूसरी में गए, एक स्टेप वो आगे जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं मैं तुमसे कैसे प्रकट करूं कि मुझे विगत रात्रि को मैखाने में जबकि मैं नशे में था और अस्थिर था, मतलब सेकंड इसमें मैं जब भी गया, सेकंड प्लेन के ऊपर में जब भी मैं गया तभी वो दारू का जो शॉप है जिसको मैखाना करते हैं उसके अंदर में मैंने वो तुम्हारी सेकंड प्लेन की जो दारू मैंने पी ली सेकंड प्लेन की, तो मैं अपने आप को भूल गया, मैं अस्वस्थ था। मतलब वो प्रेम जो मेरे को सेकंड प्लेन पे मिला, कहने का मतलब ये है कि मैं तुमको कैसे बताऊँ कि जब भी मैं वो वहाँ पे गया वाइन शॉप के अंदर में, जब भी मैं गया और मैंने जो वाइन ली सेकंड प्लेन की वाइन ली कल रात को, तो मैं नशे में था और मैं अस्थिर था मतलब बेचैन था, अस्थिर था मतलब बेचैन था, क्यों कि वो जो मैंने लिया वो सफिशेंट नहीं थी तुमको देखने के लिए, सफिशेंट नहीं थी कि जिसके मैं तुम्हें देखूं, क्योंकि वो लेने के बावजूद भी मैं अस्थिर था मतलब मेरे को शांति नहीं मिल रही थी। तुम्हारा दर्शन कहाँ हुआ, वहाँ पे दर्शन नहीं हुआ, वो आपने मुझे सेकंड वो सूक्ष्म जगत के दृश्य में आपको दिखा, मेरे को दिखा दिए और सेकंड इसमें जो दृश्य मैंने देखे वो मोहक थे, सुंदर थे, सब कुछ थे, पर उससे मेरा और आपका मिलन थोड़ी हुआ या मैंने आपको देखा थोड़ी है। और ये हुआ ये कि ये सेकंड प्लेन के ऊपर में आपके जो फरिश्ते थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, जबकि मुझे आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी, है कि नहीं। वो अपन बोलते हैं ना कि फरिश्ते लोग जो है वो सेकंड प्लेन में रहते हैं, थर्ड प्लेन में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हम लोग ये करते हैं। छिपी ही दुनिया के ये फरिश्ते थे मेरे पास बड़े शुभ संदेश लेके आ गए, मतलब जो सेकंड प्लेन का वो वर्णन कर रहे हैं कि वो कितना सुंदर है, ये है, सभी इसके ऊपर में वो फरिश्ते रहते ही है, पर आपके दर्शन कहाँ हुए। मैं अचंभे में था कि मैं एक स्टेप में आगे गया तो आपके दर्शन हो गए, पर वहाँ मुझे फरिश्ते मिल गए और उन्होंने मुझे जो वर्णन किया वो उन्होंने मुझे इस स्थिति का ही वर्णन किया, दूसरे स्थिति का, तीसरा तो उनको भी मालूम नहीं तो वो कैसे करेंगे। दूसरी स्थिति में वहाँ जाके अटक गए, मतलब जहाँ जहाँ आप जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको और आगे जाना है, ये हम भूल जाते। और इसीलिए सदगुरु अवतार जब भी आते हैं तभी वो मस्तों को आगे, इनको सबको आगे आगे ले जाते हैं जो उनका कार्य है, वो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपने प्रेमी जनों के लिए ही आता हूँ। जो लोग इसके अंदर में फंसे हुए हैं वो प्रेमी तो है उनके, और क्या, तो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले बेचारे और अटक गए, उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं आया परमात्मा का। अवतार मेहर बाबा की जय। नेक्स्ट टाइम भूमिका नंबर 3 में क्या घटित होगा वो हम लोग देखेंगे। बंद कर दो। जय बाबा।